Hey guys, what's up? This is your friend Igor. Welcome back to the channel. भाई Demon Slayer की movie release होने वाली है भाई दो दिन में. I mean 17 तारीख बस आई गई and I'm like literally excited about this. Yeah, I know movie A rated है. तुम 18 plus नहीं हो तो तुम नहीं देख सकते या फिर तुम्हारे boards चल रहे हैं. But seriously, मैं कुछ नहीं कर सकता यार इस चीज को लेके. But मैं ये बता सकता हूँ कि तुम उसके अलावा क्या देख सकते हो. पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अगर तुमने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट. ठीक है चलो भाई बात करते हैं माय एकेडमी के सीजन 6 के बारे में. यार मुझे बहुत वियर्ड लगा कि इस टॉपिक के ऊपर किसी और ने वीडियो नहीं बनाई और मैं अकेला बना रहा हूं. बट सीरियसली भाई इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि माय एकेडमी का सीजन 6 बहुत तगड़ा है. इससे पहले भी मैं डार्क टेक वॉक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं पर मैं तमीज से बात नहीं कर पाया था क्योंकि अभी सीजन एंड नहीं हुआ था और ज्यादा कुछ मुझे पता भी नहीं था क्योंकि सीजन खत्म होने वाला है भाई. लास्ट एपिसोड आएगा 25 मार्च को. तो इस टॉपिक के ऊपर अब बात की जा सकती है बिकॉज दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ माय एकेडमी. जितना भी टॉक्सिक फैंडम था जितना भी भाई लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि यार नहीं अच्छा नहीं है बेकार है मजा नहीं आता ये कुछ अलग ही है या फिर कॉपीड है सेम बातें हो रही हैं भाई इस सीजन में ना उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी है. सीजन 6 की बात करें तो भाई इस सीजन में सिर्फ और सिर्फ वॉर हुई है. सिर्फ वॉर. नो स्कूल ड्रामा नो फिलर्स नथिंग कुछ भी नहीं हो रहा है बस वॉर हो रही है. और लिटरली मैंने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को मरते मरते देखा है तो इट वॉज नॉट अ जोक दिस टाइम. इस सीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के ऊपर फोकस नहीं किया गया है. हर एक सिंगल कैरेक्टर चाहे उस कैरेक्टर को तुमने इससे पहले कभी देखा भी ना उसकी तक की बैक स्टोरी है. और कुछ ही एपिसोड्स के अंदर इतना सब कुछ इन्होंने दिखा दिया ना मतलब हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी एक कैरेक्टर क्या है वो कहां से आता है उसके क्या रीजंस है हीरो बनने के वो क्यों हीरो है सब दिखा दिया भाई. मतलब अब तक हम गिने चुने कुछ कैरेक्टर्स को एंजॉय करते थे कि भाई स्क्रीन टाइम पे ये अच्छे लग रहे हैं पर भाई सीरियसली अब ऐसा लग रहा था कि भाई अगर इज़ुको मिडोरिया है भी नहीं ना वो नई एपिसोड में फिर भी भाई हर एक कैरेक्टर की आर्क को देखने में इतना मजा आ रहा है. और तो और भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना तगड़ा हुआ है खासकर की बाकुगो शोटो टोडोरोकी एंडेवर हॉक्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स भाई सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है. मतलब बाकी 5 सीजन के मुकाबले इस बार जितना कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है उतना अब तक कभी भी नहीं हुआ खासकर की काज की बाकुगो क्योंकि भाई इस सीजन में मुझे सीरियसली प्यार हो गया उससे. उसने भाई जान बचाई इज़ुको मिडोरिया की उसके बाद उसे एक्नॉलेज किया उससे माफी मांगी है जिसके बारे में आगे बात करेंगे. पर सीरियसली भाई इस बार काज की बाकुगो ने दिल जीता है. और तो और शोटो टोडोरोकी और एंडेवर इन दोनों को भी देखने में बहुत मजा आया भाई. एंडेवर रोया है यार इस सीजन में भाई तुम नंबर वन हीरो को रुला दिया तुमने इस सीजन में तो क्या ही क्रेजी चीज हुई होगी. वेल ये बात मांगा रीडर्स को पता है बट मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता कि क्या हुई थी क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सीजन नहीं देखा हो. बट सीरियसली भाई इस बार एंडेवर रोया है शोटो टोडोरोकी भी रोया है और फैमिली ड्रामा भी देखने को मिला है जो कि बहुत एंटरटेनिंग था. बात करें अगर एनिमेशन की भाई अब तक मुझे कभी 1 से लेकर 5 सीजन तक कभी ऐसा नहीं लगा कि एनिमेशन में थोड़ी कमी है या फिर एनिमेशन बहुत बुरी कर रहे हैं अच्छी नहीं है. बट 6 सीजन में इन्होंने एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं खास करके भाई डार्क डेको आग के अंदर जो एनिमेशन इन्होंने क्रिएट की है जो फाइट सीक्वेंस क्रिएट किया है हैट्स ऑफ टू द एनिमेटर्स क्योंकि भाई इन्होंने सच में स्टोरी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किया है और मेरे ख्याल से इतनी अच्छी एनिमेशन है तभी ये सीजन बहुत अच्छा है. आई नो कि माय एकेडमी का फैंडम बहुत टॉक्सिक था एक टाइम पे या फिर लोग नहीं पसंद करते थे कह रहे थे कि यार ये एनिमे डिजर्व नहीं करता और बहुत से लोग कह रहे थे कि ये एनिमे तो बिग 3 से भी अच्छा है जिसको लेके मैं भी एग्री नहीं हुआ था मुझे भी गुस्सा आया था सुन के. बट इस बार सीरियसली इस एनिमे ने दिखा दिया इस सीजन के अंदर ये डिजर्व करता है भाई अच्छे एनिमे इसकी लिस्ट में आना उस कैटेगरी में आना डिजर्व करता है क्योंकि ये सच में एनिमे बहुत अच्छा है. और मुझे लगता है किसी भी एनिमे को भाई किसी भी एनिमे से कंपेयर करना चाहिए कि भाई बिग 3 के कंपैरिजन में ये एनिमे कैसा है या ये है वो है नहीं करना चाहिए. हर एक एनिमे का एक अपना एक जॉनर होता है एक अपनी एक स्टोरी होती है और तुम उसे 10 एनिमे से कंपेयर करके प्लीज उसे खराब मत करो. तुम्हें अच्छा लग रहा है अगर वो एंटरटेनिंग है वो अच्छा लग रहा है देखने में तो भाई वो एनिमे विन है. अगर वो तुम्हें एंटरटेन कर रहा है तुम्हें अच्छा लग रहा है देखने में और तुम सजेस्ट करने जा रहे हो इस एनिमे को कि भाई ये एनिमे भी अच्छा लगा मुझे तो वो एनिमे विन है भाई उस चीज को देखो. खामखा नेगेटिविटी फैला के जज करके किसी एनिमे को वो भी किसी और एनिमे से जो कि अभी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है कोई फायदा नहीं है. अब लोग मुझे कंपेयर करेंगे और जज करेंगे कि तू नारुतो को बोरुतो से क्यों जज करता है. चलो बात करते हैं लेटेस्ट एपिसोड की जो कि मुझे अब तक का बेस्ट एपिसोड लगा. 25 मार्च को लास्ट एपिसोड रिलीज होने वाला है डेट आ चुकी है बट उससे पहले जो अभी इस हफ्ते एपिसोड आया है उसमें तो भाई क्या ही कर दिया. इस एपिसोड में हुआ इज़ुको मिडोरिया वर्सेस क्लास 1A यस फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड्स. और इस एपिसोड में सिर्फ फाइट ही नहीं हुई है भाई जितना भी कैरेक्टर्स के साथ इज़ुको मिडोरिया एक बॉन्ड
उसने अब तक इतने सीजन में बनाया है वो सब देखने को मिला है। हर एक कैरेक्टर ने बताया कि तूने किस तरीके से मेरी हेल्प की थी, मैं जब अपनी लाइफ में सबसे लो था तब तूने किस तरीके से मेरी हेल्प करके मुझे एक अच्छा हीरो बनने में मदद की है, और इसीलिए मैं तुझे इज़ुको मडोरा रोकने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तू हमारे साथ चले वापस ताकि हम तेरी हेल्प कर सके। मतलब नेक्स्ट लेवल फ्रेंडशिप भाई, कि वो लोग उसके साथ मरने तक को तैयार है कि हम तेरा साथ देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तू अकेले ये बर्डन सेल नहीं करेगा। जहां पे भाई बाकुगो भाई ने दिल जीत लिया भाई, आधा एपिसोड था लड़ाई के ऊपर कि ये क्लास बने लड़ रही है उसके साथ, और आधा एपिसोड था बाकुगो और इज़ुको के ऊपर। भाई बाकुगो ने लिटरली वो चीज की अपने कैरेक्टर से हटके जो चीज मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। भाई बाकुगो ने सिर्फ अपोलोजाइज नहीं किया, सॉरी नहीं बोला, साथ साथ उसे एक्नॉलेज भी किया। उसने बोला कि भाई मैं बचपन से तुझे बुली इसलिए नहीं करता था कि तेरे पास क्वर्क नहीं और तू कमजोर था, इसलिए क्योंकि तेरे पास कुछ भी नहीं था उसके बावजूद तू पॉजिटिव रहता था, उसके बावजूद तू मुझसे हमेशा एक लेवल आगे था जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा खिलसता था और तुझसे फाइट पिक करता था। उसने बात बोली कि मैं तुझे जानबूझ के एक्नॉलेज नहीं करना चाहता था, बट तूने मुझे अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए मजबूर कर दिया, एंड आई एम रियली सॉरी जो भी मैंने अभी तेरे साथ किया, एंड प्लीज कम विद मी, हम साथ में फाइट करेंगे, तुझे अकेले बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज की कमी रह गई थी कि भाई ये दोनों अब हग कर लो यार, प्लीज प्लीज हग कर लो, साथ में हग कर लो। जो मोमेंट भी क्रिएट कर दिया एनिमेटर्स ने भाई, इज़ुको मडोरिया ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थका हुआ था, वो गिरने वाला था और बाकुगो ने जो उसे होल्ड किया है। मतलब भाई फैंस के दिमाग में जो चल रहा है ना वो चीज दिखाई है उन्होंने कि भाई ऐसा कर देते हैं, चलो भाई अभी अभी हग वाला मोमेंट हो रहा है, लोग सोच रहे हैं काश ऐसा हो जाए, हम कर देते हैं वो चीज भाई, नेक्स्ट लेवल शिट भाई। तो अभी तक अगर तुमने मायर एकेडमिया स्टार्ट नहीं किया है, तुम्हें नहीं पता, तुम पहली बार इस एनिमे के बारे में सुन रहे हो, या फिर तुमने हमेशा बुरा ही सुना है, उस सब चीजों को छोड़ो, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये एनिमे, गो एंड वॉच माय हीरो एकेडमी अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या फिर तुमने बीच में छोड़ दिया था, बिकॉज इट्स ऑन द पीक एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट रिकॉर्ड्स, क्योंकि अभी बहुत तगड़ा चल रहा है भाई। सीजन 6 बस खत्म हो ही गया, 25 मार्च को लास्ट एपिसोड रिलीज होगा, एंड उसके बाद पूरे 6 सीजन तुम नेटफ्लिक्स के ऊपर, यस पायरेसी वगैरह के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है भाई, नेटफ्लिक्स अकाउंट है तो नेटफ्लिक्स पे जाके देखो, पूरा का पूरा अवेलेबल है, इजिली देख सकते हो। और जल्दी ही तुम्हारे एग्जाम्स भी खत्म होने वाले हैं, तो तुम सोच रहे हो कि भाई कोई एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए, कोई एनिमे जो मजा है देखने में, तो जाके यही देख लो यार। सो दैट इज फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर देना इस वीडियो को, और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो। 28,000 फॉलोवर हो गया भाई, 28,000 फॉलोवर्स, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतने सारे फॉलोवर्स आएंगे। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी है अपना, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे है, जाके डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो, डिस्कॉर्ड सर्वर पे आओ, बात करते हैं, चिल करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वॉच एनिमे एंड क्रिएट पीस, सी या।